अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट कश्य ब्यूटी स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आगे मैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ऐसा हेयर टॉनिक शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा शाइनी बनाएगा और आपके हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी बनाएगा। तो आपने मेरी वीडियो के अंत तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच रहे। तो इसके लिए जो आज मैं आप लोगों को हेयर टॉनिक बताने वाली हूँ, इसके लिए हमें तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है दालचीनी, लौंग और है जी हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दालचीनी और जो लौंग होंगे उनको ले लेना है और एक कप पानी हमने एक सॉस पैन में ऐड करना है और उसके अंदर ये हमारे दोनों इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर देने हैं, लौंग और दालचीनी। लौंग और दालचीनी जो है ये हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और इसके साथ साथ ये हमारे जो दो मुँह बाल होते हैं ना उनको कम करने में ज़्यादा हेल्प काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा डल हो जाते हैं उनको शाइन प्रोवाइड करते हैं। दालचीनी और लौंग दोनों ही बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपने इसको बॉयल होने देना है और इतना आपने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है कि ये जो हमारा पानी है ना, ये 1 कप हमने इसके अंदर ऐड किया तो वो हाफ से भी थोड़ा कम ही रह जाए। तो उसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है, आपने किसी बाउल में डालना है और इसको ठंडा कर लेना है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, जो जिसको आम जबान में सेब का सिरका भी कहते हैं। सेब का सिरका जो होता है ये भी हमारे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो सेब का सिरका होता है ये हमारे हेयर्स से डैंड्रफ रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपने एप्पल साइडर विनेगर इतना ऐड करना है जितना कि हमारे पास ये था, हमारा वाटर था। जो पानी अब गर्म होने के बाद जब हाफ़ रह गया तो अब जितना पानी है हाफ कप उतना ही आपने एप्पल साइडर विनेगर इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये आपके हेयर से डैंड्रफ को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और इसकी सज़ा आपके हेयर को काफ़ी ज़्यादा शाइनी बनाता है। उसके बाद हमने एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, यहाँ पे मेरे पास रोज़ वाटर की एम्प्टी बॉटल थी, स्प्रे बॉटल लेनी है आपने जिसके ऊपर स्प्रे का पंप मौजूद हो। आपने उसके अंदर इस सारे पेस्ट को मिक्स करने के बाद आपने उसके अंदर डाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने शावर लेने के बाद, जब आप मतलब कि नहा चुके हैं और आपने शावर भी ले लिया है, आपने बालों को धो लिया है शैम्पू के साथ, शैम्पू करने के बाद आपने क्या करना है, अपने बालों को सुखाने के बाद आपने हल्के हल्का इसका स्प्रे अपने हेयर्स के रूट्स में नहीं करना, रूट्स में हल्का फुल्का करना है। इसके अलावा आपके जो बाकी हेयर्स होंगे उसके अंदर आपने अच्छे से इसको स्प्रे कर लेना है। उसके बाद आपने इसको लगा रहने देना है जब उस टाइम तक जब तक कि आप सेकेंड टाइम ना नहा लें। ये बहुत ही बेहतरीन हेयर टॉनिक है, आपके हेयर्स जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसके साथ साथ आपके हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करेगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप इसे तब भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा दोमुहे हो गए हैं, रफ़ हो गए नीचे से, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। आपने नीचे वाले बालों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसको लगा लेना है। तो उम्मीद करिए मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ आपके उस टाइम टाइम पहुँचने। मिलते हैं मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।